ना गिनकर दिया ना तोल कर दिया, ना गिनकर दिया ना तोल कर दिया, जब भी शेरावाली ने दिया दिल खोल कर दिया। जयकारा है शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होता है, भगवान की कसम मंदिर में बैठी हूँ, रोम रोम मेरा जो है ना वो एकदम खिल जाता है दुर्गा भवानी का नाम लेने से। जाने कौन सी शक्ति है, जाने क्या है दुर्गा से, उससे शेरावाली से मेरा नाता, ये तो वही जाने। आप सभी को आज के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सुस्वागतम वेलकम अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर बायरा की, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ ओए होए आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करे। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे देवी कालरात्रि की पूजा की। माँ कालरात्रि जो जीवन में सब कुछ देने वाली है, माँ की अगर बात की जाए तो 9 अक्टूबर बुधवार वाले दिन माँ का नवरात्र है, माँ की पूजा है। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, नक्षत्र का स्वामी है केतु, और केतु ग्रह को सही करना चाहते हो ना तो यकीन मानो कालरात्रि से बेहतर और कोई भी नवरात्रा नहीं है। राहु काल है 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, और देवी का नाम है कालरात्रि। आपको मैं बता दूं राहु काल के दौरान भी इस देवी की पूजा की जा सकती है। मूल नक्षत्र की पूजा, मूल नक्षत्र हो और माँ की पूजा की जाए तो देवी माँ बहुत ज़्यादा शुभ फल देती है। केतु राहु और शनि, तंत्र मंत्र जादू टोने, इन सबको माँ तुरंत जो है ना वो सही कर देती है। केतु नक्षत्र का स्वामी है और इस कारण से अगर आप आज माँ की पूजा करते हैं तो काल रात्रि आपके जीवन से सभी विघ्नों को दूर कर देगी। देवी कालरात्रि को काले रंग के वस्त्र बेहद पसंद है, फूल अर्पण किए जाते हैं और गुड़ का इन्हें भोग लगाया जाता है। आज के दिन आपको मंत्र जाप करना चाहिए, ओम देवी कालरात्रि नमः और ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विच्चा। देवी कालरात्रि की पूजा हमें सुख समृद्धि देती है, शांति देती है और हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आती है। हमारे जीवन में कुछ भी नकारात्मक है तो हमें कालरात्रि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी का रूप जरूर थोड़ा सा भयंकर है लेकिन वो शक्ति का प्रतीक है। वे देवी दुर्गा का 7वां अवतार है, उनके नाम से ही पता लगता है कि काल रात्रि, इसलिए इन्हें काला रंग बेहद पसंद है और ये आपके जीवन में से कालक को निकाल देती है। आधी रात में भयंकर रूप से माँ की पूजा की जाती है, माँ आपको मुश्किल से मुश्किल, असंभव से भी असंभव चीज़ें दे देती है। देवी कालरात्रि का स्वरूप बेहद खूबसूरत है लेकिन आपको उसे मन की मुद्रा से, मन की आंखों से देखना होगा। माँ की वेशभूषा की अगर बात की जाए, देवी कालरात्रि की वेशभूषा काले रंग की होती है जो कि उनकी शक्ति और भयानकता को दर्शाती है, जो ये दर्शाती है कि बच्चा तेरे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो उसे मैं ख़त्म कर दूंगी। आभूषण अगर देवी के बात की जाए तो माँ भयंकर ही आकर्षित लगती है लेकिन माँ के रूप को देखकर बड़े बड़े डर जाते हैं, असुर तो यूँ भाग जाते हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए देवी कालरात्रि एक हाथ में तलवार एक में ढाल लिए हुए होती हैं। माँ आपको बता दूं कि माँ के हाथ में कांटा भी होता है जो शक्ति और साहस को दर्शाता है। मुखमंडल पर अगर देवी कालरात्रि की बात की जाए तो बहुत भयंकर होता है, माँ क्रोध से लाल होती है, जीभ बाहर होती है, बाल खुले हुए होते हैं और वाहन गधा होता है। गधे को भी आप किसी तरह से कम ना सुने। कालरात्रि के नवरात्रे वाले दिन गधे को गुड़ खिलाने से माँ बेहद प्रसन्न होती है और जिन लोगों को गधे के दर्शन हो जाए माँ उनसे भी बेहद पसंद होती हैं। देव कालरात्रि, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो शक्ति का स्वरूप है और शक्ति को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि औरत जब एक विघ्न रूप में आ जाए, जब सर्वनाश के रूप में आ जाए तो वो किस तरह से अपनी औलाद, अपने परिवार, अपने संतान को बचाती है। कालरात्रि देवी का 7वां जो नवरात्रा है वो आपके जीवन से काल को और ऐसी मृत्यु जो अचानक आ जाए, अंधकार आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन में किसी ने जादू टोना कराओ उसे ख़त्म करता है और अपने भक्तों को भय से मुक्ति दिलाती है। माँ का स्वरूप आप बिल्कुल देखकर डरे ना, माँ को मन से याद करें। माँ को शत्रु व नाशिनी भी कहा जाता है। अगर आपके कई शत्रु हैं और आपको बहुत लंबे समय से तंग कर रहे हैं तो माँ की पूजा करने से वो शत्रु चुटकी बजा के भाग जाएंगे। कालरात्रि देवी का शरीर काला होता है, अत्यंत विकराल रूप होता है, माँ उनके बाल जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं,
और उनकी तीन बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो कि असीम शक्ति का प्रतीक है। आंखों से बिजली चमक रही है। हथियारों की अगर बात की जाए, चार हाथ हैं, दो हाथों में लोहा खड़क और तलवार है, ब्रज है, गदा है, जबकि माँ के दो हाथ जो है वर मुद्रा में है। मतलब माँ कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन अभय मुद्रा से आपको डर, कष्ट और तकलीफों से दूर कर रही है। देवी का वाहन गधा है। गधा उनके परिवार का स्वरूप इसलिए चुना गया है क्योंकि वह सभी बुरी शक्तियों और कठिनाइयों को पार करने में समर्थ होता है। गधा गर्दन पर माँ के गले में से, माँ की जीभ में से, नथुनों में से आग अग्नि ज्वलित हो रही है। माँ क्रोध में एकदम लाल है। माँ की आंखें एकदम, नेत्र एकदम, दृष्टि एकदम लाल है, जो कि ये बताती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, लेकिन जब उसके बच्चे को, उसके परिवार को, उसके भक्त को कुछ भी कहा जाए तो वो मृत्यु भी आपको दंड दे सकती है। तो माँ है आपको कठिनाइयों से बाहर लाने के लिए, शत्रुओं से बचाने के लिए। संकट मोचन के रूप में माँ आपके कष्टों को दूर करती है। कालरात्रि देवी के सामने आप सातवें दिन जब पूजा करें, गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। आज आप ब्राह्मण को भी गुड़ जरूर दें। अपने जीवन की सारी कठिनाइयां माँ को बताएं। काल रात्रि का रूप भले ही विकराल हो, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ और कल्याणकारी रहती है, इसलिए इन्हें कल्याणकारी नाम से भी जाना जाता है। माँ हर बाधा और दुख दूर करती है, शुभंकारी भी इन्हें कहा जाता है। कालरात्रि देवी की पूजा विशेष रूप से आपको करनी चाहिए अगर दुश्मन तंग कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो नवरात्रि के सातवें दिन आपको माँ की विशेष पूजा कर उन्हें गुड़हल का फूल अर्पण करना चाहिए। देवी के सामने चार मुखी सरसों के तेल का दिया जलाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ अर्पण करना चाहिए। धन का की कामना करनी चाहिए, माँ आपको धन देती है। कालरात्रि देवी के सामने ओम कालरात्रि देवी नमः का जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। किसी तरह की भी आर्थिक संकट हो या दुश्मनों के संकट हो, वो दूर होते हैं। ओम ह्रीम क्लीं चमुंडा विचा का जाप माँ के सामने जरूर करें। धन की प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। और एक बात हमेशा याद रखें कि माँ के सामने माँ की आरती करने से, पुष्प अर्पण करने से माँ बहुत खुश होती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अगर आप दान देते हैं, उनको धन देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, माँ बेहद खुश होती है। दुश्मनों से अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो कालरात्रि देवी का मंत्र ओम ह्रीम कालरात्रि देवी नमः का जाप आज रात जरूर करें। आज रात जो लोग हवन करते हैं उनके दुश्मन उनके पैरों में आके नतमस्तक हो जाते हैं और गिर जाते हैं। पूजा करते समय माँ के सामने एक छोटे से बालक बच्चे बनकर बैठेगा। अहम वहम और घमंड किसी भी चीज़ का मत करिएगा। माँ को आज नारियल अर्पण जरूर करिएगा और दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए माँ से कामना करिएगा। अगर आपको कालसर्प दोष है, अगर आपको कुंडली के अंदर किसी भी तरह का कोई दोष है, तो आपको ये साथ हमेशा समझना चाहिए कि माँ की पूजा आपको विशेषकर करनी चाहिए। और अपने घर में जो कालरात्रि का चित्र रखते हैं, चित्र मूर्ति नहीं, तो उनको किसी भी तरह के कष्ट या तकलीफ नहीं हो सकते। माँ कालरात्रि को इत्र बहुत पसंद है, तो इत्र माँ को लगाकर एक परफ्यूम की बॉटल ले आइए और माँ को लगाकर वो इत्र खुद लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। काल रात्रि की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, दुश्मनों से आपकी रक्षा होती है, आपके रोग, कष्ट, तकलीफें अगर आपको हो वो दूर होती हैं, जीवन में सुख शांति आती है। कालरात्रि की पूजा विशेषकर सातवें दिन आप जब करते हैं, माँ बहुत प्रसन्न होती है। पर कुछ लोग माँ से डरकर उनकी पूजा ही नहीं करते। आज के दिन रात्रि जागरण करें, माँ की पूजा करें, हवन करें, माँ के मंदिरों के अंदर झाड़ू जरूर लगाएं और माँ के मंदिर की परिक्रमा करें। काले वस्त्र पहनकर भी माँ की पूजा की जाती है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि आज के दिन माँ को काली चुनरी अर्पण करनी चाहिए। माँ का रूप भले ही काला है, लेकिन माँ को जो चुन्नी बेहद प्रिय है वो है लाल और पीली। मैं आपको बता दूँ, ओम कालरात्रि नमः का मंत्र जाप जो आज पूरी रात जागकर करता है और माँ को अपने मन की बात नहीं भी बता पाता, तो भी माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज रात के समय पर एक बड़ा सा चार मुखी दिया, चार बत्ती डालकर सरसों के तेल का माँ के मंदिर में लगाकर आएं। सात सुगंधित अगरबत्ती माँ के मंदिर में लगाकर आप अपनी मनोकामना जो भी माँ से बोलेंगे वो पूर्ण होगी। आपको बता दूँ, काले तिल माँ को बेहद पसंद है, तो आज काले तिल और दूध मिलाकर आपको महादेव पर अर्पण करना चाहिए। आपको आज के दिन बेहद माँ की पूजा करनी चाहिए और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि माँ के मंदिर में घंटियाँ बजानी चाहिए और माँ के सामने नृत्य करना चाहिए, माँ के ऊपर शहद अर्पण करना चाहिए। आज पार्वती माँ और शिव का गठबंधन करना चाहिए, जिससे माँ शांत होती है और आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मैं तो कहती हूँ, ये जो दिन है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, 9 अक्टूबर बुधवार वाला दिन, गाय की सेवा भी ज़रूर करें और काल रात्रि माँ को प्रणाम करें, नतमस्तक हों, झुकें
और अपने शत्रुओं को हृदय से आप माफ कर दें। आपके शत्रु आपको कैसे माफ करेंगे ये माँ काली पर छोड़ दीजिए। ओए होए कमेंट्स में जय माता दी।